रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम हलवा कद्दू बनाएंगे, मटन के साथ बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक पैन में मैंने एक कप ऑयल ऐड किया है, दो बड़े साइज़ की प्याज रफली चॉप कर ली है। इसको हम थोड़ा हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं तलेंगे क्योंकि गोश्त के साथ वैसे ही गल जाएगी वो। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गोश्त ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, तकरीबन 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है मटन का। इसको हम हल्का सा भुनेंगे ताकि अदरक लहसुन के साथ गोश्त का कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा इसको तलेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। देखें, 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। मसाले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कद्दू मीठा होता है इसलिए थोड़ी सी मिर्चें इसमें तेज़ रखी है मैंने। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और पानी डाल के इसको हम 30 से 35 मिनट तक गलने के लिए रख देंगे। देखिए, अब हमारे 35 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल चुका है बेहतरीन सा। इसको अब हम भून लेंगे। मैंने इसके अंदर 2 टमाटर पिसे हुए डाले हैं और 1 टमाटर चॉप किया हुआ इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। 2 टमाटरों को, बड़े टमाटर थे उसको मैंने पीस लिया था बिल्कुल। गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और ये देखें 1.5 किलो ही मेरे पास कद्दू था, इसको मैंने छिलका उतार के और काट लिया था। इसको अब हम इस स्टेज पे, जब हमारा देखें गोश्त बिल्कुल भुन चुका है, तो इसके अंदर हम डाल के इसको थोड़ा सा तलेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम 10 मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगा देंगे। ये देखें, हमारा कद्दू गोश्त बिल्कुल बेहतरीन सा हो चुका है, भुन चुका है। इसके अंदर हमने पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें ऐड करी हैं। एंड में कलर देखें आप, कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त सा बनाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।